जो परिक्रमा कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, मतलब 4:40 हो गया। मैं 4 बजे उठ गई थी, उठ के आ गई थी आज। बच्चों ने मतलब जब कहीं जाना होता है ना तो बच्चे, मैंने देखा है उस दिन भी हमें जब रायसर वाले भैरव जी के जाना था ना तो बार बार उठ रहे थे। 2 बजे दोनों बच्चे उठ गए थे, रिद्धि उठी थी तो उसी से रुद्र भी उठ गया। ठीक है, मैंने रुद्र को थोड़ा पानी वानी पिलाया, उसको शायद गला सूख गया था एसी में, तो फिर दोनों सो गए थे। उसके बाद हमारी रिद्धि ना अब फिर से 3:30 बजे उठ गई और फिर वो रोने लग गई। तो फिर मैंने कहा यार शायद इसका गला सूख गया या भूखी भी हो गई होगी, बोले दूध बना देता हूँ। तो फिर उसको दूध बना के पिलाया और वो सो गई 4 बजे। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार अब क्या सोऊंगी मैं, तो मैं उसके बाद सोई नहीं। वो समय नहाने जा रही हूँ, बच्चे और ये दोनों मतलब तीनों सो रहे हैं, है ना। तो पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, मैं नहा के आ जाऊँगी तो थोड़ा ये रहेगा कि बच्चों का इजीली सारा हो जाएगा। पहले नहा लेती हूँ, नहाने के बाद तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और इनफैक्ट गाड़ी में बैठी हूँ, मैं और मेरी रिद्धु बैठे। रिद्धु देखो, हम गाड़ी में आके बैठ गए। मम्मी अभी लॉक लगा के आ रहे हैं और सब कुछ ऑल सेट है। रुद्र मम्मी लेके आ रहे हैं रुद्र को। तो बस आज मैंने पीला पहना, अच्छा मेरे को वैसे कॉटन का ही पहनना था, मम्मी बोल रही है कि वैसे मुझे कॉटन का पीला ही पहना था, बट वो मैं परसों पहन के गई थी ना तो वो थोड़ा गंदा था, मतलब उसका जो लहंगा था थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा यार प्योर का पहन लेती हूँ। मम्मी बोले हाँ, तो मैं कह रही थी कि मम्मी को मैंने पूछा था कि मम्मी मेरा पीला तो गंदा है, मम्मी बोली वैसे तो पीला ही पहनते हैं शुभ होता है, बट माता जी के जा रहे हो तो तू येलो या फिर रेड में से लाल पीले में से कुछ भी पहन ले। फिर मेरे को अब सुबह लगा कि मम्मी ने तो बोल दिया था यार, फिर मैंने सोचा यार मतलब बच्चे बार-बार नहीं होते और बच्चों का ये जड़ूला है आज फाइनल है, मतलब आज मतलब माता जी को फाइनल चढ़ जाएगा तो ये बार-बार नहीं होगा, है ना। तो मैंने सोचा यार प्योर का पहन लेते हैं, इसे शुभ मौका कुछ भी नहीं होगा और आज नवमी है तो आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये साटन का पूरा सूट है येलो कलर का, उस पर अपनी प्योर की ओढ़नी ओढ़ी है। ठीक है, और रुद्र मेरा सो रहा था तो ये आगे आ गया। रिद्धि कार सीट में ना रोने लग गई तो अभी उसके पापा उसको बाहर लेके खड़े, तो मैं रुद्र को दे देती हूँ अभी, तो इसका मूड थोड़ा सही है कि कार सीट में बैठ जाएगा तो, है ना भाई रुद्र। वैसे भी बहुत गंदा बच्चा हो गया है, ये कहना नहीं मानता है मम्मा का। नहीं मानता क्या? नहीं मानता क्या? बीता ये तो भाई, आज तो जड़ीला उतरेगा। बोले मम्मा रोज आप ऐसे ही बोलते हो, कितनी बार उतारोगे बेटा अपने, ऐसे ही होता है ना। पहले देखो मालासी भैरू जी के, फिर रायसर वाले भैरू जी के, और अब अपनी कुलदेवी जमवाई माता के। बच उसके बाद मेरा बेटा गंजू गंजू हो जाएगा, गंजू गंजू हो जाएगा। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। बोलो सीताराम जी महाराज की जय, बोलो मातेश्वरी की जय। देखो रुद्र को ना इसमें कार सीट में बैठा देते ना तो ये ऐसे चुपचाप बैठ रहता है जैसे किसी ने इसको पिटाई करके बैठा दियो। आज रिद्धि नहीं बैठी, इसको कार सीट उठाया रोने लग गई, तो इसके पापा फिर या मम्मी गोदी में दे दिया इसको, ये आराम से मम्मी के पास बैठी रही है खेलती रही है। अभी इसको कुछ चाहिए, ये देख रही कुछ मिले मुझे खेलने के लिए, देखो कुछ छेड़ेगी। रिद्धु रिद्धु रिद्धा रिद्धि हाँ मातेश्वरी के दरबार में आ गए हम। और भाई जो आठा को व्यू है ना वो एक नंबर शानदार, सूरज भी नहीं दिख रहा है तो। पीछे ये प्रसाद ले रहे हैं, यहाँ हमारी गाड़ी पार्क कर दी। दो सौ
जय श्री रंबाई माता की दया दृष्टि राज्य सा दोनों बच्चों को पर परिक्रमा कर रहे हैं मम्मी बैठो अब इनको उतार लेना दुनिया को उतरा लो एक ही बात ओहो तो हमारी रिद्धि ने मांगी है कि मेरे को सीनियर आईएएस ऑफिसर बनाना रुद्र से सीनियर बनाना उसको चले हाँ। जम्बाई माता का मंदिर भाई आसपास में बहुत शानदार ग्रीनरी है ना रिद्धु दोनों माला वाला पहन के मस्त हो रहे हैं आज है। आज भीड़ कम है अभी सुबह सुबह जल्दी आ गए ना हम इतने अच्छे से दर्शन हो गए बिल्कुल भीड़ नहीं थी अब भीड़ होगी पता है अब धीरे धीरे भीड़ होगी सही बात मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है ठंड में आ गए मौसम मस्त है अपनी फोटोज खिंचा ली वीडियोस बना ली ये भी वो पता एक मेमोरी रहती है हमेशा अब क्या ये एक साल के होने वाले हैं ना मैं अभी कल ही देख रही थी कि अभी तो तीन महीने के थे दो महीने के थे मतलब फोटोज वैसे ये हमेशा मेमोरी रहेगी कि फर्स्ट टाइम जम्वाई माता के यहाँ आए थे जड़ूला उतारने वैसे अभी हम आए रामगढ़ बांध पे सूख हो भाई बांध जब हम स्कूल से आए थे ना जब पिकनिक पे तब इसमें खूब पानी था इसमें बांध में हाँ खूब पानी था इस बांध में अब तो कुछ नहीं है ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पूरा वहां तो पानी पानी था इसमें अब सब जगह खाली पड़ा है हम लोग अभी रुके थे रामगढ़ जो बांध है ना अब तो बंद पड़ा है कुछ भी नहीं है तो यहाँ रुके थे यहाँ पे क्या हम बंदरों के लिए खाना लेके आए थे तो वो डालना था तो हमने खाना भी डाल दिया और ये बांध भी देख लिया ऐसे कुछ देखने लायक तो नहीं है सब कुछ सूना खाली सूखा पड़ा हुआ है रिद्धि तो बैठ नहीं रही उधर को बैठा दो हाँ रिद्धि यार चिड़चिड़ कर रही है थोड़ी रिद्धि मगर उधरू ना नई सीट मिल वेली है बीच का मायने ना बोले अभी तो मैं इस पहला सनरूफ पे खड़ा नहीं हो सकता तो मैं इस पे बैठ ही जाता हूं अच्छा सीट के ऊपर बैठ जाए ये गोदी में रुक ही नहीं रहा ना कार सीट पे बैठ रहा है तो मैंने यहां बीच में सीट पे बैठा दिया इसको टिंगे मम्मी पीछे रिद्धि ने दूध पिला रही है रुद्र को तो पिला दिया दूध हां और मैं साइड में रुक रहा हूं मस्त जगह है हां ठीक है भाई आए आए
ठीक है सर, दोनों बच्चा दूध पी चुके हैं, बस अब जा रहे हैं। और आज ना इतने अच्छे दर्शन हुए माता जी के, और मतलब हमें उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी साहब, हमको ये था कि भाई भीड़ मिलेगी, जल्दबाजी में भागम भागी के अंदर दर्शन होंगे, पर आज इतने मस्त दर्शन हुए। अब मतलब इससे पहले भी हम आए ना, उससे पहले भी कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए, आराम से हम खड़े रहे, आराम से हमने दर्शन किए, बैठ गए वहीं पर, मतलब बड़ा मजा आया, और भीड़ भी नहीं थी, और क्या, एक तो हम टाइम से भी आ गए थे, हम बताए आज एक घंटे से भी कम टाइम में पहुंच गए थे शायद, फटाफट हम यहाँ पहुंच गए ना, पूरा डेढ़ घंटा लगता हमारे घर से। मारो बदमाशी हो, बदमाशी हो, और बदमाशी हो, उसको दीदी देख रही है, अभी पिट्टी करने की दीदी, बोले हाँ मेरी बहन मेरी पिट्टी है बदमाशी। चलो सर चला, लेट हो जाऊंगा अभी। क्या हमने मतलब 8 बजे तक तो हमने दर्शन भी कर लिए थे, 8:30 बजे हम फोटो वोटो खिंचा के फ्री हो गए, टाइम से हो गए, मतलब बहुत जरूरी चीज थी। और मैं ना गर्मी भी नहीं थी, बच्चे परेशान नहीं, भीड़ भाड़ नहीं थी, गर्मी नहीं थी, ठंडा मौसम है, धूप भी अच्छी वाली अभी सुबह सुबह की, तो बस अब घर जा रहे, चलते हैं घर। जय हो जन्माई माता की, जय हो जन्माई माता की। तो हम लोग स्टैचू सर्कल के पास है, और लास्ट टाइम अभी हमने मतलब लास्ट व्लॉग में अपने देखा था जहाँ पे हमने कचौरी खाई थी ना, और वो जो क्या बोलते हैं शेक पिया था, तो बस वही लेने गए हैं। यार मैं एक ही आती हूं, सब्जी ज्यादा डलवा के लाओ यार, ये रहो बेटा, आगे मेरा रिद्दा मेरे पास। चलो साथ जा रहे हैं हमें, तो चलेंगे, कितना फर्क है ना, एक ये भी एक बच्चा है, वो भी एक बच्चा बेचारा, कितना प्यारा सा है ना, कितना क्यूट सा है बच्चा। इसके लिए समोसा कचौरी देते इसको, देख दोनों देख बात कर रहे हैं आप सर में, बात कर रहे हैं, कितना प्यारा है ये छोटू सा, कचौरी खाएगा क्या, कचौरी कचौरी खाएगा क्या, कितना खुश हो रहा है, कितने महीने का है, 6 महीने का, तुम्हारा है, मेरा लड़का 6 महीने का ही है, तो 6 महीने का, वही तो छोटू जा। तो घर आते इन दोनों को सबसे पहले हमने डायपर चेंज किया, डायपर चेंज करके दोनों कपड़े चेंज कर दिए, दोनों को कुर्ते पजामे पहना दिए, फुल स्लीव्स के और इजी कंफर्टेबल। रिद्धु दीदी आए ले कुर्ते पजामे, बच्चे अच्छे लगते हैं ना, ये रिद्धु ने ये रुद्र ने दोनों ने पहन लिया, रुद्र के थोड़े ढीले आते हैं। अभी हो गई दोपहर और लंच का टाइम हो गया, मम्मी और इनका फास्ट है, तो ये बोले तो कुछ स्विगी से अपने लिए ऑर्डर कर ले, अब क्या बनाएगी, और मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, पहले कम एक्चुअली सो गई थी आके, पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं रात को 2.5-3 घंटे मुश्किल से सोई होंगी, तो बस नींद मतलब 1 घंटे की नींद ली, उसके बाद अब उठी हूँ, 1 बज रहा है, और अभी मैंने स्विगी से इनके लिए भी ऑर्डर किया, क्योंकि उनका फास्ट था तो इनको भूख लग रही थी, तो फलाहार वाला है जो सिर्फ मतलब व्रत का खाना ही बनाता है, सारी डिशेज मतलब व्रत ही होती है, तो मतलब हमेशा नहीं मंगाते बट कभी कभार ज़्यादा भूख लग जाए तो मंगा लेते, तो मैंने इनके लिए मंगाया था फलाहारी समोसा और कलाकंद जो कि आ गया है, और मेरे लिए मैंने मंगाई है बिरयानी, है ना, बिरयानी भाई किलो से बहुत अच्छी बनाता है, तो मेरा तो आने में टाइम लगेगा आधा घंटा। तो ये आ गई मेरी बिरयानी, इसके साथ ये सैलेड है, ये रायता है, और ये ना ऐसे ही कैंडल देते हैं, मतलब जब वहाँ खाते ना इनके उसमें, तो ये लोग क्या करते हैं मतलब बिरयानी ना इसके ऊपर रख के देते हैं, इसमें कि ये मोमबत्ती जलती रहती है कैंडल, और इसके ऊपर ही हांडी को रख देते हैं, तो आप ऐसे एंजॉय कर सकते हो, तो घर पे भी सेम वही फील कर देते हैं। अब इसको मैं चम्मच या चाकू से खोलती हूँ, ओ हो भाई देख के बहुत भयंकर भूख लग रही है, मस्त लग रही है देखने में। तो ये मेरी पनीर बिरयानी मंगाई मैंने, अब खाते हैं, भूख लग रही है, खाने में आराम से खा रही है, रुद्र से नाटक कर रहा है, वो तो नाटक कर करके खाता है, रिद्धि अपने आप ही मुंह खोल लेती है, उसको देखो उसको पकड़ के और बैठा है शैतान, छोड़ बोले खाने दे मेरे को, तो नाटकबाज है। हाँ
दोनों लड़ रहे हैं एक के ऊपर।